बियर वगैरह यहाँ पर पानी से भी ज़्यादा सस्ती है। तो है ना काफी सस्ता। मैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं शाम में, या आप कह लीजिए रात में, क्योंकि अभी बज गए हैं 8:30 और हम जा रहे हैं स्टोर में कुछ सामान लाने के लिए। तो दिखाएंगे आपको भी यहाँ के स्टोर का टूर कराएंगे। आप कहाँ जा रहे हो? आज मैं स्टोर जा रही हूँ। स्टोर जा रहे हो, क्या लाने वाले हो आज आप अपने लिए? सब्जी। और क्या लाओगे? फ्रूट्स। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। ये है इलेक्ट्रिक बाइक, ई बाइक। यहाँ पर ऐसी खड़ी हुई आपको जगह जगह मिल जाएंगी, और ऐप होती है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, वहाँ से आप इसकी बुकिंग कर सकते हो, और उसके बाद जहाँ भी आपको जाना है डेस्टिनेशन में, वहाँ पर आप इसे छोड़ सकते हो। हम पहुँच गए हैं स्टोर के पास और अब जाने वाले हैं अंदर एंट्री करने। ये एप्पल है, ये है आपका 1 kg फॉर 1.59 यूरो, यानी लगभग ये पड़ जाएगा 120 से 140 रुपए का। प्याज हमें 1.5 किलो पड़ेगा 1.99 यूरो। हमने अभी लेना है टमाटर, तो यहाँ से निकाल लेते हैं प्लास्टिक। टमाटर आज हैं 1 यूरो के, तो थोड़े सस्ते हो गए आज, नहीं तो 1.30 तक के आते हैं ये वाले। टमाटर हो गया हमारा लगभग 1.5 किलो, 1.5 यूरो का ही आ जाएगा हमारा। तो ये है 2 लीटर की फैंटा वाली बॉटल, जो फैंटा काफ़ी बिकती है इंडिया में भी। यहाँ जर्मनी में इसका प्राइस है 1.79 यूरो। जर्मनी बेकरी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो यहाँ पर आपको बेकरी आइटम्स बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको मिलेगी। जैसे आप ये देख सकते हो मेरे हाथ में, कितनी अलग वैरायटी की ब्रेड है और इसमें मल्टी ग्रेन्स है। तो ये हैमबर्गर का पैकेट है जो कि आ रहा है 0.79 यूरो का। और ये हम आ गए मिशी के फेवरेट सेक्शन में, तो इस साइड आपको सारी चॉकलेट्स ही चॉकलेट्स नज़र आएंगी। लेकिन ऑलरेडी मिशी ने अपना क्या कर रखा है, कोटा फुल कर रखा है ना चॉकलेट का। झूठ बोल रहे हो, खत्म हो गई है। ये चॉकलेट है यहाँ पे मिल्का, ये है 270 ग्राम की और 3 यूरो की। ये जेलीज है फ्रेश एंड फ्रूटी, 1 किलो का है ये 4 यूरो का, तो लगभग 320 से 350 रुपए का है ये पूरा बॉक्स 1 किलो का। ये है नॉनवेज सेक्शन और प्राइस आपको यहाँ पे मेंशन दिखाई दे रहा होगा, और इसमें प्री कुक्ड मीट भी जो है आपको मिल जाएगा। ये है चिकन, 1 किलो पड़ेगा 5 यूरो का, मतलब लगभग 400 रुपये का। तो वैसे हमने यहाँ पे ट्राई नहीं किया चिकन, क्योंकि ये प्रिजर्व्ड वाले आइटम्स हैं यहाँ पे, डीप फ्रीज इनको पता नहीं कब से किया रहता है, और इंडिया में हमें फ्रेश खाने की आदत है, तो इसलिए हमारा मन ही नहीं हुआ यहाँ ट्राई करने का। इस साइड वाला जो पूरा सेक्शन है वो कैट और डॉग के खाने का है, तो यहाँ के लोग पैट्स पालना बहुत पसंद करते हैं, कैट और डॉग, तो उनका भी यहाँ पे पूरा खाने का अलग से सेक्शन होता है। इंडिया की तरह ऐसे रोटी सब्जी अपना वाला खाना नहीं देते, यहाँ अलग से ख़रीदते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, ये वाला जो पैकेट है ये 2 किलो का 2.19 यूरो का है, ये कैट का कोई फूड है, कैट भी बनी है। इस साइड हाइजीन से रिलेटेड सेक्शन है, तो यहाँ पर अभी मैंने देखा ये ब्रश का सेट, 2 ब्रश हैं इसमें, और ये है 6 यूरो का, तो ब्रश यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है। जेली, ये राइस हमने लिया है 1 kg का है ये, 1.29 यूरो। तो मैंने ले लिया मंकी वाला चॉकलेट। तो अगर आपको ये जरूर बताया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये लेज है, यहाँ पे भी मिलता है, 1.60 यूरो का है ये लेज। जर्मनी में रहने वाले लोगों का काफ़ी ये वाला बड़ा खर्चा है। ये है यहाँ टॉयलेट पेपर, तो यहाँ पर जो है इसी से साफ किया जाता है, यहाँ पे जेट स्प्रे वाला कोई सिस्टम नहीं है, तो इट्स स्ट्रेंज फॉर अस। वाइन के शौकीन लोगों के लिए तो इतने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे कि आप ट्राई करते करते थक जाओगे, ऑप्शंस ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगे। बहुत सारी वैरायटीज है यहाँ पे वाइन की, पूरा ये सेक्शन वाइन का ही है।
अब जिस सेक्शन में मैं आ गई हूँ वो सेक्शन बहुत सारे हमारे व्यूवर्स का फेवरेट सेक्शन हो सकता है, खास करके मेल जो व्यूवर्स हैं। तो मैं आई हूँ यहाँ पर अल्कोहल वाले सेक्शन में। बियर वगैरह यहाँ पर पानी से भी ज़्यादा सस्ती है। पानी का सेक्शन उधर है, वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। काफ़ी सारी बियर्स जो हैं वो उससे भी पानी से भी सस्ती हैं। एक लीटर वाली जो पानी की बॉटल है उससे सस्ती है, तो अच्छा है। अगर चाहिए आपको पीना है तो आ जाओ। अगर मैं बियर के इस पूरे कार्टन की बात करूँ, इसमें 6 बॉटल्स हैं, ये है आपका 4 यूरो का, तो है ना काफ़ी सस्ता। ये है ओरियो क्रंचीज जो इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलर है, तो ये है 1.29 का, 1.29 यूरो का। तो ये है यहाँ पर नूडल्स जिसमें लिखा है टेस्ट ऑफ एशिया, तो एकदम इंडिया की जो मैगी है ना उससे एकदम ही अलग है। पिक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पर, ये हमें यहाँ पे पता नहीं क्या आइटम है, ये बहुत देखने को मिला। इसके अंदर कुकुम्बर से नज़र आ रहे हैं और कुछ पानी जैसा है, तो हमें तो देख के ही अजीब लग रहा है, पता नहीं ये अचार है या क्या है। 2 यूरो का है ये। ये जो कैबेज है ये है पर केजी 0.99 का, तो इसका वेट देखते हैं हम कितना है और ये कितने की आएगी। तो ये आ रही है 2 किलो 328 ग्राम, तो ये लगभग हमें पड़ेगी 2 यूरो की, तो ये मान के चलो 160 से 180 के बीच में ये हमें पड़ेगी। अब हमने आपको पूरे सेक्शन दिखा दिए हैं इस स्टोर के, और अब हम जा रहे हैं बिलिंग कराने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन है और ऑलमोस्ट 9:30 होने वाला है, तो चलते हैं अब बिलिंग कराने। बिलिंग हमने करा ली है और अब हम अपना सामान रखते हैं अपने ट्रॉली से निकाल के बैग में और फिर चलते हैं घर की ओर। अब हमने पूरा सामान ले लिया है और बैग सब निकल लिए हैं पैक, अब हम जा रहे हैं घर की ओर। कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग हमें ज़रूर बताना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।